हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं स्वास्थ्य क्या है, मतलब हेल्थ की डिफिनीशन क्या है। दोस्तों, बहुत जगह जगह तरह तरह से डिफिनीशन दिया गया है, लेकिन हम बात करेंगे आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में क्या कहा गया है। दोस्तों, सुश्रुत संहिता में बताया गया है, श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है, सम दोष समान अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न प्रसन्न आत्म इंद्रिया मनस स्वस्थ इति व्यध्यते। मतलब जिस व्यक्ति का दोष धातु मल और अग्नि का व्यापार सम हो तथा जिसकी इंद्रिया मन आत्मा प्रसन्न हो, उसे ही स्वस्थ कहा गया है। हिंदी में बताया गया है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक वैदिक और सामाजिक सुखमय अवस्था को ही स्वस्थ कहा गया है। जो व्यक्ति ऐसे स्वस्थ है उनको ही स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। जिसको कोई विकार ना हो, जिसको कोई टेंशन ना हो, जिसकी नींद अच्छी आती हो, जो अच्छा से खाता हो, उसका खाना डाइजेशन होता है और कभी भी किसी प्रकार की टेंशन ना हो, उनका जो सोचता विचारता हो परफेक्ट सोचता विचारता हो, जो कहता हो परफेक्ट करता हो और पूजा पाठ में भी उसकी जीवन अच्छे से चलती है और उनका आत्मा हमेशा खुश रहता है। काम करता है तो हमेशा अच्छे से करता हो, जिस चीज को करता है उसे अच्छे से पूरा करता हो, मन लगा के करता हो, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।